हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। आई एम सत्यविजय तिवारी। तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में कहाँ तक देखा था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो स्ट्रक्चर था, कैसे उसके कोवेलेंट बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन थे पेयर में, ये देखा, और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कैसे उसका बॉन्ड टूट के एक होल जनरेट हो रहा था और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा था। तो चलिए अब इस वीडियो में आगे देखते हैं। डोपिंग, डोपिंग क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग द इम्प्यूरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या था? प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें अपन ने इम्प्यूरिटी ऐड कर दी, उसको क्या बोलते हैं? डोपिंग। मतलब इम्प्यूरिटी ऐड कर दी मतलब डोपिंग उसमें कर दी अपन ने। तो डोपिंग इंक्रीज इज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, देयरफॉर इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। क्योंकि जब डोपिंग कर देंगे अपन तो कैरियर उसमें एक्स्ट्रा कैरियर उसमें अपन ऐड कर रहे हैं। जब कैरियर ऐड कर रहा है तो कंडक्टिविटी आपकी क्या होती है? एन क्यू म्यू। तो जब आप इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या बढ़ जाएगी? बढ़ती जाएगी सेमी कंडक्टर की, ठीक है। तो इसमें अपन डोपिंग कौन कौन से एटम इसमें मिलाते हैं? तो एक तो करते हैं अपन ट्राइवेलेंट या एक्सेप्टेड इम्प्यूरिटी। इसमें क्या करते हैं अपन, थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सेमी कंडक्टर में डोप कर देते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो होती है उसमें थर्ड ग्रुप में कौन कौन से होते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, ठीक है। और पेंटावेलेंट की डोपिंग करते हैं, मतलब फिफ्थ ग्रुप की डोपिंग करते हैं। ये थर्ड और फिफ्थ ग्रुप डोपिंग करते हैं अपन का फोर्थ ग्रुप में, अपने सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है अपना फोर्थ ग्रुप में। तो थर्ड ग्रुप के एटम ये हो गए और फिफ्थ ग्रुप के ये हो गए। तो डोपिंग में अपन या थर्ड ग्रुप के ऐड करते हैं या फिफ्थ ग्रुप के। थर्ड ग्रुप के ऐड करेंगे तो एक्सेप्टेड इम्प्यूरिटी होगी, और फिफ्थ ग्रुप के ऐड करेंगे तो डोनर इम्प्यूरिटी होगी या पेंटावेलेंट होंगे। तो डोनर इम्प्यूरिटी में कौन कौन से आते हैं? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो आपको ये एलिमेंट्स याद रखने हैं। कभी कभी एलिमेंट्स से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये कौन से ग्रुप का है, ये कौन से ग्रुप का है। तो इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है, आपने हो सकता है अपनी ट्वेल्थ की उसमें ट्रिक से याद कर रखा हो उसको, अगर नहीं भी किया हो तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, तो ये हो गए आपके थर्ड ग्रुप के एलिमेंट। ऐसे ही फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ के लिए पार्टिकल, असरानी, सब विकारी। तो इस तरह से आप कोई भी अपनी टेक्निक बना सकते हैं इनको याद रखने के लिए, ठीक है। अल्टीमेट आपको बस ये याद होने चाहिए, ट्रिक आप कोई सी भी इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है कि कौन सा थर्ड ग्रुप का है और कौन सा फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप का है। चलिए तो इसमें आगे देखते हैं अपन। बोरोन एंड फास्फोरस। बोरोन क्या था? थर्ड ग्रुप का। फास्फोरस फिफ्थ ग्रुप का। आर मोर एफिनिटी टुवर्ड्स सिलिकॉन, मतलब बोरोन थर्ड ग्रुप से अपन मोस्टली प्रेफर करते हैं डोपिंग के लिए, और फास्फोरस फिफ्थ ग्रुप से अपन मेनली यूज करते हैं डोपिंग के लिए। जो स्टैंडर्ड डोपिंग लेवल होता है वो कितना होता है? अगर मान के चलिए मॉडरेट डोपिंग होनी चाहिए तो कम से कम 1:10^6 to 10^8 में, मतलब 10^6 से 10^8 एटम में वन डोप अपन करेंगे, या वो थर्ड ग्रुप का होगा या वो फिफ्थ ग्रुप का होगा। तो वो डोपिंग आपकी किस कैटेगरी में आएगी? मॉडरेट डोपिंग में। लाइटली डोप में क्या करेंगे? 10^11 में वन एटम अपन डोप करेंगे, 10^11 में वन एटम डोप करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका लाइटली डोप। तो लाइटली डोप को डिनोट कैसे करते हैं? पी माइनस और एन माइनस, मॉडरेट को पी और एन से। और हैवीली डोप, हाईली डोप्ड के लिए क्या करते हैं? वन एटम ऐड करते हैं 10^3 कॉन्सेंट्रेशन में। तो इसको हैवी डोप को कैसे डिनोट करते हैं? पी प्लस से और एन प्लस से। तो ये हो गई आपकी लाइटली डोप, मॉडरेटली डोप और हाईली डोप सेमीकंडक्टर। तो द मिनिमम डोपिंग रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज 1:10^8। मिनिमम डोपिंग कितनी रिक्वायर्ड होती है अगर कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसको एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट करना है? तो मिनिमम डोपिंग आपको वन एटम ऐड करना पड़ेगा 10^8 एटम में, तब आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट होगा। इसमें जर्मेनियम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो देख लेते हैं। विथ 1:10^8 डोपिंग इन जर्मेनियम,
अगर जर्मेनियम में अपन ने 10^8 एटम में एक एटम की डोप कर दी तो जर्मेनियम की कंडक्टिविटी क्या होगी, 12 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, सीधे सीधे 12 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अगर 10^7 में अपन ने एक एटम ड्रॉप किया तो इसकी कंडक्टिविटी 120 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही 10^6 में अगर एक किया तो उसकी 1200 टाइम बढ़ जाएगी। तो ये जर्मेनियम की कुछ प्रॉपर्टी है कि जैसे जैसे अपन लोग उसमें डोपिंग बढ़ाते जा रहे हैं उसकी, तो कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती जा रही है। तो इन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर बाई नेचर देर विल बी ऑलवेज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैरियर एंड देर विल बी ओनली डिफ्यूजन करंट। जब आपका इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर होगा विदाउट डोपिंग, उसमें क्या होगा, केवल डिफ्यूजन करंट। वो क्यों होगा, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे आपके चार्ज कैरियर इस कारण से। और इफ एन एक्सटर्नल वोल्टेज और एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड टू द सेमी कंडक्टर देर विल नॉट बी एनी ड्रिफ्ट करंट। अगर आप इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर में कोई एक्सटर्नल फील्ड भी अप्लाई करेंगे तो भी उसमें कोई ड्रिफ्ट करंट फ्लो नहीं होगा। उसमें केवल क्या होगा, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर में केवल आपका डिफ्यूजन करंट फ्लो हो, ड्रिफ्ट करंट फ्लो नहीं होगा। तब द इम्प्यूरिटी कॉन्सेंट्रेशन एडेड टू द सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग प्रोफाइल। डोपिंग प्रोफाइल किसे बोलते हैं, कितना अपन ने इम्प्यूरिटी कॉन्सेंट्रेशन एड किया है सेमी कंडक्टर में, वो होता है आपका डोपिंग प्रोफाइल। तो डोपिंग प्रोफाइल कैन बी होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस। डोपिंग प्रोफाइल जो होगी आपकी होमोजेनियस भी हो सकती है और नॉन होमोजेनियस भी हो सकती है। तो द डोपिंग प्रोफाइल व्हेन इंट्रोड्यूस मस्ट प्रोवाइड बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। डोपिंग प्रोफाइल क्यों अपन इंट्रोड्यूस करते हैं, कि जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसमें अपन ने डोप करके उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया। क्यों बनाया, व्हेन इंट्रोड्यूस मस्ट बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट द सेमीकंडक्टर विल नाउ हैविंग अ ड्रिफ्ट करंट अलोंग विद डिफ्यूजन करंट। डोपिंग क्यों की अपन ने, क्योंकि जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था तब उसमें केवल डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रहा था। अपन ने डोपिंग उसमें डोपिंग प्रोफाइल अपन ने इंक्रीज की तो उसमें कुछ बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, उसमें ड्रिफ्ट करंट भी फ्लो होने लगेगा। तो आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कौन कौन से करंट फ्लो होने लगेंगे, ड्रिफ्ट करंट विथ डिफ्यूजन करंट, ठीक है, और इंट्रिंसिक में केवल डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। अब इसमें और देखते हैं, द इम्प्योरिटी प्रोफाइल और डोपिंग प्रोफाइल विल बी मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द सेमी कंडक्टर वेयर इट इज इंट्रोड्यूस। जो इम्प्योरिटी प्रोफाइल होगी या डोपिंग प्रोफाइल होगी, जहां से अपन इंट्रोड्यूस करेंगे वहां पर मैक्सिमम होगी। मान के चलिए यहाँ पर आपने डोप करना स्टार्ट किया, कोई सेमी कंडक्टर स्पेसिमेन है, इसमें आपने डोप करना स्टार्ट किया तो डोपिंग आपकी ऐसी डिक्रीज होती जाएगी। वेयर इट इज इंट्रोड्यूस एंड द डोपिंग प्रोफाइल ग्रेजुअली डिक्रीजेज इन द डेप्थ ऑफ द सेमी कंडक्टर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो डोपिंग प्रोफाइल डिक्रीज होती जाएगी, मतलब तो जहां से आपने स्टार्ट किया था डोप करना वहां पर मैक्सिमम होगी, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें और देखते हैं, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हेन सब्जेक्टेड टू लाइटली डोप इट विल गिव एन इंट्रिंसिक बट ड्यू टू द डोपिंग प्रोफाइल देयर विल बी अ ड्रिफ्ट करंट एंड द डिफ्यूजन करंट इन द सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये तो हुई आपकी इसकी बात। अब इसमें और देखते हैं, ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट कैसे इम्प्योरिटी ऐड करते हैं अपन इसमें जर्मेनियम एंड सिलिकॉन में, और कैसे उसमें बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है जिसके कारण आपका ड्रिफ्ट करंट भी सेमीकंडक्टर में फ्लो होने लगता है। तो अब बात करते हैं अपन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, डोप्ड या डीजनरेट या इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर या आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर या कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर, ये सब नाम का है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा आपका दो टाइप से, जब आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में या तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे थर्ड ग्रुप की, या फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। जब फिफ्थ ग्रुप की ऐड करेंगे तब बनेगा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर या डोनर सेमीकंडक्टर, और जब थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तब बनेगा आपका पी टाइप का या एक्सेप्टर। तो स्टार्ट करते हैं अपन एन टाइप सेमीकंडक्टर से या डोनर सेमीकंडक्टर से। द इम्प्योरिटी इज इक्विवेलेंट, इसमें देखते हैं अपन थर्ड, इसमें अपन फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड की तब एन टाइप सेमीकंडक्टर आपका बना है इसमें। और इसके क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर देखते हैं, 0 केल्विन पर क्या होगा और 300 केल्विन पर क्या होगा। जब इसमें अपन ने पेंटावेलेंट
डोपिंग कर दी। मतलब ये तो था आपका पहले इस टाइप से, आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर था, पेंटावेलेंट डोपिंग कर दी, मतलब फिफ्थ ग्रुप। ये देख रहे हैं आप चारों तरफ फोर फोर फोर्थ ग्रुप के, एक फिफ्थ ग्रुप की डोपिंग कर दी। तो चार एटम तो इसके कोवेलेंट बॉन्ड में आ गए, एक एक्स्ट्रा एटम, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, क्योंकि इसमें पेंटावेलेंट डोपिंग की थी अपन ने, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया ये। अब इसका एनर्जी बैंड डायग्राम भी देख लेते हैं जीरो केल्विन पर। तो वैलेंस वैलेंसी बैंड नीचे था, कंडक्शन बैंड ऊपर था। जीरो केल्विन पर क्या था, वैलेंसी बैंड कंडक्शन बैंड एम्पटी था, और वैलेंसी बैंड में क्या थे, परफेक्ट कोवेलेंट बॉन्डिंग में बॉन्डिंग थी, और कंडक्शन बैंड एम्पटी था जीरो केल्विन पर। जीरो केल्विन पर आप जो पेंटावेलेंट जो अपने डोपिंग की थी, तो उसमें क्या होगा, कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे एक एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल। और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था, वो आपके सब इस पे आ जाएंगे, इस लेवल पर, क्या पर, डोनर एनर्जी लेवल पर। तो अब इसमें मान के चलिए इस इलेक्ट्रॉन को आपको कंडक्शन बैंड में ले जाना है, तो इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी लगेगी, अगर जर्मेनियम यूज कर रहे हैं तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, तब ये डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में मूव करेगा। और सिलिकॉन के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसमें होगी। तो इसमें देख लेते हैं, डोनर एनर्जी लेवल इज डिस्क्रीट एनर्जी लेवल क्रिएटेड जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, जस्ट कंडक्शन बैंड के बिलो ये क्रिएट हो जाएगा। और डोनर लेवल रिप्रेजेंट द एनर्जी लेवल ऑफ ऑल द पेंटावेलेंट एटम, जैसा कि मैंने आपको बताया पेंटावेलेंट एटम को एनर्जी को डिनोट करेगा। एट जीरो केल्विन द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एम्प्टी एटम्स विल बी एग्जिस्टिंग इन द डोनर एनर्जी लेवल। जीरो केल्विन पर क्या होगा, जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जितने भी थे वो उस लेवल पर रहेंगे जीरो केल्विन पर, ठीक है। और द एडिशनल एनर्जी मैंने बताया जर्मेनियम के लिए इतनी चाहिए, सिलिकॉन के लिए इतनी चाहिए। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर भी होगा वो जीरो केल्विन पर कैसा वर्क करेगा, आपका इंसुलेटर की तरह, कैसा वर्क करेगा, इंसुलेटर की तरह, ठीक है। अब एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं, 300 केल्विन पर, 300 केल्विन पर क्या होगा, जैसे अपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा था अपना, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, बाकी कुछ बॉन्ड टूटना स्टार्ट हुए। एक ये बॉन्ड टूटा तो एक होल जनरेट हुआ एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ एक होल, ये बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ एक होल। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या था, जितने बॉन्ड टूट रहे थे केवल उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, बॉन्ड टूट रहे हैं वो तो जनरेट हो ही रहे हैं, और पेंटावेलेंट इलेक्ट्रॉन आपका एक्स्ट्रा में जनरेट हो रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा अवेलेबल हो रहे हैं। समझ में आया। इसका एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं, पर 300 केल्विन पर, 300 केल्विन पर क्या था, यहाँ पे यहाँ से वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप हो रहे थे, इंट्रिंसिक में भी, इसमें भी जो वैलेंसी बैंड में थे वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा आइटम, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपके डोनर एनर्जी लेवल पर थे वो भी आपके काय में जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं वैलेंसी बैंड में 1 2 3 होल है, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब इसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, पेंटावेलेंट डोपिंग की थी अपन ने, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है होल कम है इसमें। तो इसमें और देखते हैं, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एवरी इंप्यूटिंग एटम विल बी डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन इनटू द कंडक्शन बैंड, एंड देयरफॉर एन टाइप इज कॉल्ड अ डोनर एटम। क्यों डोनर कहलाता है, इसलिए इसको डोनर बोलते हैं। डोनर लेवल आयोनाइजेशन क्या होता है, डोनर लेवल आयोनाइजेशन द इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम डोनर एनर्जी लेवल इनटू द कंडक्शन बैंड। जो डोनर एनर्जी के लेवल था आपका, ये जब आपके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव कर जाए पूरे, उसको क्या बोलते हैं, डोनर लेवल आयोनाइजेशन। तो डोनर लेवल आयोनाइजेशन विल बी इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होंगे, जो पेंटावेलेंट एटम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जाके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज द टेम्परेचर इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 300 केल्विन, द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ एम्प्यूटी एटम विल बी मूविंग फ्रॉम डोनर एनर्जी लेवल इनटू द कंडक्शन बैंड।
मतलब जब आप 0 से 300 केल्विन पर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे आपके डोनर एनर्जी लेवल पे वो सब कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे। तो एट 300 केल्विन पर डोनर लेवल आयोनाइजेशन इज कंप्लीटेड। 300 केल्विन पर डोनर लेवल आयोनाइजेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल इंप्योरिटी एटम्स हैज शिफ्टेड फ्रॉम डोनर एनर्जी लेवल इनटू द कंडक्शन बैंड। मतलब जो फिफ्थ जो आपके डोनर लेवल पर आपके जो इलेक्ट्रॉन थे वो सब कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे 300 केल्विन टेम्परेचर पर। तो अबव 300 केल्विन देयर इज नो डोनर लेवल आयोनाइजेशन। 300 केल्विन के ऊपर कोई डोनर लेवल आयोनाइजेशन नहीं होगा क्योंकि 300 केल्विन पर ही जो डोनर लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे और एन टाइप में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे थे कंडक्शन बैंड में, होल कम थे। तो एन ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं आपके होल से एन टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक है। तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग 0 to 300 केल्विन ड्यू टू डोनर लेवल आयोनाइजेशन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन विल मूविंग फ्रॉम डोनर एनर्जी लेवल इनटू कंडक्शन बैंड एंड ड्यू टू द थर्मल एनर्जी अ लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विल बी ब्रोकन। ये थर्मल एनर्जी के कारण लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी ब्रोक होंगे एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर क्रिएटेड एंड ऑल दीज इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग फ्रॉम वैलेंस बैंड इनटू द कंडक्शन बैंड, जैसा अपन देख चुके हैं। एंड देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन द कंडक्शन बैंड इज फार ग्रेटर देन द होल कॉन्सेंट्रेशन इन द वैलेंस बैंड, मैंने बताया आपको डायग्राम में। एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी कैरियर एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो मेजोरिटी कैरियर विल कंट्रीब्यूट मोर करंट विद लेस नॉइज, जो मेजोरिटी कैरियर होंगे वो आपका मोर करंट कंट्रीब्यूट करेंगे और नॉइस कम रखेंगे, और जो माइनॉरिटी कैरियर होंगे वो क्या करेंगे, विल कंट्रीब्यूट लेस करंट विद मोर नॉइस, नॉइस ज्यादा होगी और करंट कम कंट्रीब्यूट करेंगे माइनॉरिटी कैरियर। तो माइनॉरिटी कैरियर नॉइस इज थर्मल नॉइस, माइनॉरिटी कैरियर नॉइस इज थर्मल नॉइस एंड इट इज इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर। माइनॉरिटी कैरियर की जो नॉइस होगी वो थर्मल नॉइस होगी और टेम्परेचर के साथ क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। और द कंडक्टिविटी ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, माइनॉरिटी कैरियर के कारण जो कंडक्टिविटी होगी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, ठीक है। तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर करंट इज प्रीडोमिनेंटली डोमिनेटेड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेनली करंट फ्लो होगा वो होगा आपका क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। एन जो होगा इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन एन आई, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो जाएगा, और होल क्या होगा, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन से भी कम हो जाएगा इन एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो ठीक है। और इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग अबव एन आई, जब एन आई से ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन द होल कॉन्सेंट्रेशन विल फॉलिंग बिलो एन आई, होल कॉन्सेंट्रेशन एन आई से कम हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ वीक कॉम्बिनेशन के कारण होगा। इसमें एक इक्वेशन होती है लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है, एन डी डोनर एटम प्लस होल इक्वल्स टू एक्सेप्टर एटम प्लस इलेक्ट्रॉन्स, एन डी प्लस पी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, एक्सेप्टर एटम तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि एक्सेप्टर की अपन ने डोपिंग ही नहीं की, ये जीरो हो जाएगा। तो एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन डी प्लस पी, और पी इसमें क्या होगा, वेरी लेस क्योंकि होल बहुत कम होते हैं इसमें। तो अप्रोक्सीमेटली एन कितना हो जाएगा आपका, एन डी के इक्वल हो जाएगा, एन हो जाएगा आपका एन डी के इक्वल, मतलब आपने जो डोनर एटम की डोपिंग की थी वो एन के टोटल इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, एन इक्वल्स टू एन डी इन एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो एन डी इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन और द डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स एंड इट इंडिकेट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स पेंटावेलेंट एटम एडेड टू द सेमी कंडक्टर। तो एन डी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, जितने टोटल नंबर ऑफ एटम होंगे इन टू इम्प्योरिटी रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे तो एन डी की वैल्यू आपको कैलकुलेट हो जाएगी। तो इन एन टाइप सेमी कंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ डोनर एटम,
डेंसिटी में डोनर एटम मतलब एन इक्वल्स टू एन डी हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ये मैं आपको आगे और डिटेल्स में बताऊंगा। तो एन टाइप में कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी थी पहले, तो ये तो वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो इसकी जो एन टाइप में कंडक्टिविटी हो जाएगी कितनी, एन क्यू म्यू एन, और एन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली एन डी के इक्वल है, तो एन डी क्यू म्यू एन इसकी अप्रोक्सीमेटली कंडक्टिविटी हो जाएगी। और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एवरी इम्प्योरिटी एटम इज डोनेट वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो डोनर एनर्जी लेवल था उसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो रहे थे, डिनोट कर रहे थे कौन काय में, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन डिनोट कर रहे हैं मतलब नेगेटिव चार्ज अपन डिनोट कर रहे हैं, तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन अपन डिनोट कर रहे थे तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो वही है, टू द कंडक्शन बैंड एंड द इम्प्योरिटी एटम विल बी लूजिंग वन, लूजिंग द नेगेटिव चार्ज एंड गेन द पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल बिकम द पॉजिटिव आयन। तो ये हो गया एन टाइप का इक्विवेलेंट डायग्राम। इसमें इलेक्ट्रॉन थे तो इलेक्ट्रॉन अपन लूज कर रहे थे मतलब नेगेटिव चार्ज लूज कर रहे थे, और तो इस पर गेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज अपन लूज कर रहे थे तो गेन हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे आप डिनोट करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर को। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।